Good morning, student. Welcome back to my channel. Its name is Math Classes with Nisha. So today we will discuss a new topic. So name of new topic is represent a rational number on a number line. तो represent a rational number on number line. अगर rational number को आप number line पे represent करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि what is rational number. तो rational number होते क्या? Rational number होते हैं in PQ form में where Q does not equals to zero. So we take a example. माइनस 1/5 एंड 3/4 एंड 7/4 एंड माइनस 1/3 दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स. अब ये रैशनल नंबर्स हैं और ये पी क्यू फॉर्म में है. दिस इज पी एंड दिस इज क्यू. हियर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. इफ यू आर राइट लाइक दिस 2/0, then this is not a rational number. अब यहां से equation और arise होता है कि 0 is a rational number or not? 0 एक rational number है या नहीं? तो हम मैथ में 0/1, we can write 0/1, but we don't write 1/0. Okay, 0/1 हम लिखते हैं मैथ में, but 1/0 is undefined in math. This is a infinity number. Okay, and 0/1, 0/2 and 0/3 कभी कभार हम मैथमेटिक्स में ये टर्म्स लेते हैं. और आपके नंबर्स जो बच्चों को हम नंबर देते हैं, दिस इज 0/10. ओके, दिस इज 0/9. ऐसे करके हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में. तो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कभी कभार जब आप टेस्ट देते हो स्कूल में तो आपके नंबर क्या होते हैं? 0 भी हो जाते हैं. तो उसको टीचर कैसे लिखता है? 0/10. तो 0/10 रिप्रेजेंट अ 0 एज अ रैशनल नंबर. अब ये चीज क्लियर हुआ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और अब कैसे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को. तो दिस इज अ नंबर लाइन. हियर इज 0 एंड हियर इज नेगेटिव नंबर and here is positive numbers. Now we take a example of rational number. So we take a some example 1/5, 7/4 and minus 5/3. So here these two are the positive rational number and this is negative rational number. Clear? So अभी लेके चलेंगे हम first example को. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? 1/5 इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. तो इसमें ध्यान से देखो, दिस इज न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. तो इसमें हमारा न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है देन डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है. डिनोमिनेटर क्या बड़ा है? तो अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, रैशनल नंबर का कोई ऐसा केस हो, तो इसमें कीप इन माइंड कि ऑलवेज नंबर क्या होता है? 1 से छोटा. और पॉजिटिव नंबर है और 1 से छोटा है, तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम इस तरफ 0 से राइट हैंड साइड में. वी टेक अ पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड में और चलते कैसे हैं? लेफ्ट टू राइट इन 0 टू 1 ऑनवर्ड. ओके, लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं. अब हमारे पास है 1/5. तो 1/5 में सी हियर, फर्स्ट हम देखेंगे कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है. सेकंड पॉइंट पे हम देखेंगे कि नंबर जो है वो 1 से बड़ा है या छोटा है. डिनोमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर छोटा है. अब डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर क्या है? 1 से छोटा है. तो यहाँ पे ये नंबर लाई करेगा 1 एंड 0 के बीच में. क्लियर? तो 0 और 1 के बीच में नंबर लाई कर रहा है. अब देखेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर है 5. तो अब हम क्या करेंगे कि 0 एंड 1 के बीच में 5 पार्ट्स में 0 और 1 को डिवाइड कर देंगे. और इसका इजी मेथड होता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 5 है तो 0 एंड 1 के बीच में आप 4 लाइन ड्रॉ करो, 1, 2, 3, 4. अब फिफ्थ जो है वो जहां पे नंबर होता है वही पॉइंट फिफ्थ होता है. तो देखो कितने पार्ट हो गए 0 एंड 1 के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5. अब देखो डिनोमिनेटर क्या बोल रहा था, 5 पार्ट में डिवाइड करो. तो
तो हमने इसको फाइव पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद आप देखोगे न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर पे क्या है, वन। तो न्यूमिनेटर क्या बता रहा है कि हमें लेफ्ट टू राइट कहाँ जाके रुकना है, तो हमें वन पे ही रुक जाना है। अब जीरो के बाद वन कहाँ है यहाँ पे, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। सो दिस नंबर इज 1/5। 1/5 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो एंड वन के बीच, हियर हियर वी रिप्रेजेंट 1/5 इन बिटवीन जीरो एंड वन इंटरवल। ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम लेते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या है हमारे पास, 7/4। अब देखो 7/4 में न्यूमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो न्यूमिनेटर क्या है इसमें ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है छोटा। अगर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है तो उस केस में क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर को विद 4। 4 के साथ डिवाइड किया, देन हमारे पास आ गया मिक्स फ्रैक्शन 1/3/4। ओके, अब मिक्स फ्रैक्शन आ गया 1/3/4, इतना देख लिया। फिर उसके बाद हम क्या चीज देखेंगे कि ये नंबर बड़ा है वन से कि छोटा। अब ये चीज बता रही है कि दिस नंबर इज लार्जेस्ट फ्रॉम वन, नंबर इज 1/3/4, कन्वर्ट किया है 7/4 को 1/3/4 में। तो अभी वन से बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, इंटरवल लेंगे वन और टू के बीच में, ठीक है। ये चीज डिसाइड कर रही है कि कौन सा इंटरवल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर है वन, एंड नंबर लाइन को और बड़ा कर दो तो यहाँ पे है आपके पास टू, दिस इज वन एंड दिस इज टू। वन एंड टू इंटरवल के बीच में देखेंगे 1/3/4 को। तो अब फिर से वही डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर 4 है तो कितने पार्ट लेंगे बिटवीन वन एंड टू, 4 है तो वन लेस लेंगे, एक कम, मतलब 1, 2, 3। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट में डिवाइड करना था वन एंड टू इंटरवल को, तो यहाँ पे ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। जब हमने वन और टू के बीच में 3 लाइंस लगा दी तो ये 4 पार्ट में इंटरवल डिवाइड हो गया वन एंड टू। ये हमें किसने बताया, डिनोमिनेटर में। फिर हम देखेंगे न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर 3 है। अब न्यूमिनेटर क्या बताता है कि हमें लेफ्ट टू राइट चलना है और कहाँ जाके रुकना है, 3 पे। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यहाँ तो वन पहले से है, यहाँ पे चलेंगे 1, 2, 3, और कहाँ जाके रुकेंगे, यहाँ पे। सो दिस इज 3/4, दिस इज 3/4। अब ये नंबर क्या हो गया, 1/3/4, वन तो है ही है, वन से बड़ा है। सो 1/3/4 इज रिप्रेजेंट हेयर ऑन द नंबर लाइन बिटवीन वन एंड टू। अब देखो ये 7/4 कैसे होगा, 7/4 कैसे होगा, तो यहां भी हमने 0 और 1 के बीच में इसको 0 और 1 को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट हैं, तो यहां पे हमने 3 ले लिए हैं। ये देखो 1, 2, 3, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4, क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे 3, और यहां पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, एंड दिस इज 7, दिस इज 7/4। इसको 7/4 भी बोलते हैं, 1/3/4 भी बोलते हैं। अगर 1 से लेके चलोगे तो दिस इज 1/3/4, अगर 0 से लेके चलोगे तो दिस इज 7/4। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल। अब लेके चलेंगे थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर -5/3। अब इसमें फिर से वही चीज, न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब नंबर क्या है, बड़ा है वन से। अगर न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो नंबर क्या हो जाता है, वन से बड़ा नंबर। बट ये नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर, तो ये कौन सी साइड पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, नेगेटिव नंबर वाली साइड पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड है ये। अभी फिर से वही चीज कि नंबर क्या है, बड़ा है एक से, तो अगर नंबर एक से बड़ा है तो नंबर है क्या, 3/5, दिस 2 एंड 1, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या आया, 1/2/3, 1/2/3 इज द मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को कहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पे 1/2/3, और नेगेटिव है ये। और ये चीज क्या बता रही है हमें कि नंबर क्या है, -1 से आगे लिखेंगे नंबर को, -1 से आगे निकल गया नंबर, तो ये 0 एंड दिस इज -1, तो नंबर कहाँ लाई कर रहा है, -2 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है नंबर।
और अब क्या देखेंगे, 2 बाय 3, इसमें 3 देखेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 में, अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 और बीच में कितने लाइंस लेंगे, 2 लाइंस, 3 से 1 कम, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3, ओके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 2 को देखेंगे, अब किस प्लेस पे रुकना है, चलेंगे कहां से, राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर को, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे 2 बाय 3, तो कैसे, 1 को छोड़ देना है, 1 एंड 2, तो नंबर कहां पे लाई कर रहा है, दिस इज 1 2 बाय 3 एंड दिस इज नेगेटिव नंबर, ओके। अगर हम दूसरे केस में भी देखें तो दिस नंबर इज -5/3, -5/3 है, तो इसको भी -1 से 0 में भी हम 2 इंटरवल लेंगे, ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 5/3, ओके दिस इज 5/3, अगर 1 से लेंगे, -1 से लेंगे तो दिस इज -1 2/3, अगर 0 से लेंगे तो दिस इज 5/3। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।